पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 8 वर्षात कल्याणकारी योजना राबवून जनतेला दिलासा दिलाय. भाजप शासित राज्यांमध्ये केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र बिगर भाजप शासित आणि डबल डेकर राज्यांमध्ये केंद्राच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जात नाही. त्यामुळे बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये महागाई वाढल्याचं वक्तव्य केंद्रीय रेल्वे आणि टेक्सटाईल राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी केलं. कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. दरम्यान गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनचं काम रखडण्याला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री जरदोश यांनी केला. डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ पे भी है और जितनी भी सरकार की योजना है आप लोग उनका सर्वे जरूर कर लीजिए. जैसे आयुष्मान वाली किसान सम्मान निधि की बात करती हूँ, पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने नहीं एडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ तो किसानों के खाते में गए पैसे. ये अन्न सहाय योजना हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया. और प्रधानमंत्री जी खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 13 साल रहने के बाद में स्टेट की क्या समस्या उनको अच्छे से पता है. तो स्टेट का जो स्टैक था वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है. पहले जो उनको 20% मिलते थे 22 अभी 45% उनको रीबैक मिलता है. तो स्टेट की योजना को साथ में मिलकर, क्योंकि कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के माध्यम से होता है.